चलिए वॉइस चेक करिएगा। वेरी वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो हम क्या कर रहे थे, हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज मैंने कहा था एक डाउट सेशन लेंगे। तो फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन, जैसा कि मैंने इस बार थोड़ा सा चेंज करा है कि भाई साहब आपको क्वेश्चन होमवर्क में दिए जाएंगे और मैं क्लास में ही सॉल्व कर दूंगा, ताकि आपको ना कोई डाउट का ऑप्शन ही ना रहे, मतलब पूछने का कि आप का डाउट ही आए। तो मैं सारे ही क्वेश्चन कर लूंगा। लास्ट क्लास में देखो हमने ये क्वेश्चन आपको दिया था करने के लिए। अब जिन बच्चों ने करा बहुत अच्छी बात है, वो तो मन लगा के पढ़ रहे हैं, जिन बच्चों ने लापरवाही करी नुकसान तो उसी का ही होगा। तो हम आगे चलते हैं इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए। तो पढ़ लिया था हालांकि, तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। लंबी क्लास नहीं लूंगा, लेकिन हाँ अब रेगुलर क्लास लेके काफी बच्चे नाराज हो रहे थे, सर हमारा कोर्स कब होगा नहीं होगा। तो कोर्स ज्यादा बड़ा नहीं था, मैंने सोचा चलो खत्म ही कर देते हैं, जिससे बच्चों को भी तसल्ली रहे कि हाँ हमारा कोर्स एट ए टाइम पे हो गया है, ठीक है ना। और टाइम से इनफेक्ट पहले मेरा तो अब मार्च या 10-12 अप्रैल तक ही मेरा मन है कि मार्च अप्रैल 10 तक भी ना ले जाऊं, उससे पहले जल्दी जल्दी रेगुलर क्लास लेके आपकी खत्म कर दूं। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मैं जल्दी करा रहा हूँ तो वो बात बन जाएगी, ठीक है ना। तो कहता है प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट बनाना है आपको 80% एंड 100% कैपेसिटी पे, और 50% पे गिवन है। इसका मतलब सर सीधी सी बात है, यहाँ पे हमें तीन लेना पड़ेगा, एक हो जाएगा प्रेजेंट का, एक हो जाएगा प्रेजेंट का, और एक हो जाएगा हमारा 80% कैपेसिटी पे, और एक हो जाएगा हमारा 100% कैपेसिटी पे, है ना। पर्टिकुलर आ जाइए। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा यहाँ पे, जैसे कि वेरिएबल कॉस्ट, है ना। वेरिएबल कॉस्ट के बाद हमारा आता है यहाँ पे सेमी वेरिएबल। अब इस क्वेश्चन में ना पूरे में देखिए सेमी वेरिएबल का कोई नामो निशान नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बना लेंगे सर हम, फिक्स्ड कॉस्ट। क्या बना लेंगे सर हम, फिक्स्ड कॉस्ट, है ना। चलिए सर, चलिए फटाफट देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन में। 5,000, तो सबसे पहले हमें यूनिट निकालना है। 80% कैपेसिटी पे अगर यूनिट निकाले तो आपको सिखाया था ना कि 5,000 डिवाइडेड बाय 50, क्योंकि ये 50% पे है, इंटू में 80, दैट इज 8,000। और ऐसे ही हम 100% कैपेसिटी पे निकाले तो 5,000 डिवाइडेड बाय 100, आ सॉरी डिवाइडेड बाय 50 पे था ना ये, और इंटू में 100, तो ये आ जाएगा हमारा 10,000। तो सर ये यूनिट हो गया। रॉ मटेरियल कहता है 80 पर यूनिट, तो रॉ मटेरियल सर, रॉ मटेरियल 80, 80 इंटू में 8,000 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 64,000, है ना, राइट। ओके सर, ये गलत जगह लिख दिया, पहले 5,000 पे था ना, यूनिट का भी लिख देते हैं ऊपर। ये है 5,000 पे, ये है 8,000 यूनिट पे, और ये है 10,000 यूनिट पे। तो 5 तो 40,000, और 8 64,000, और 80 × 10 यानी सर 80,000 रुपये। गलत तो नहीं है, लग रहा मुझे एक जीरो कम लगा है। वेरी वेरी गुड इवनिंग। 5,000 × में आप भी कैलकुलेट करके बताइएगा। जी हाँ, एक जीरो कम लगा दिया मैंने। चलिए रॉ मटेरियल के बाद आ जाते हैं आपका डायरेक्ट लेबर, यहीं पे आ जाएगा डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर 50 × में 5,000, 2,50,000, और 8,000 × में 50, 4,00,000, और
50 इंटू में ये 5 लाख, ठीक है। इसके बाद क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस यहां ही आ जाएगा आपका, डायरेक्ट एक्सपेंस। सर कितने आएंगे डायरेक्ट एक्सपेंस? सर डायरेक्ट एक्सपेंस 15 रुपये है, तो 5,000 इंटू में 15, 75, 15 × 1 = 20 और 15 1.5 लाख, डायरेक्ट ही आ गया ये। अब फैक्ट्री एक्सपेंस, ओहो सेमी वेरिएबल होगा क्योंकि इसमें ना वेरिएबल और फिक्स, तो हम ना फिक्स वाला नहीं बनाएंगे, हम सेमी वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है ना। वो मेरे से पढ़ने में गलती हो गई, तो हम क्या बना लेंगे अब, सेमी वेरिएबल। सर क्या कहता है फैक्ट्री एक्सपेंस? सर फैक्ट्री एक्सपेंस में वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। कहता है सर फैक्ट्री एक्सपेंस जो भी था ना 50-50 है, तो सर 25,000 वेरिएबल और 25,000 फिक्स, यही बनेगा ना। तो फिक्स वाला जो होगा वो तो 25,000 हर किसी कैटेगरी में आ जाएगा, लेकिन जो वेरिएबल है 25,000 आपका खर्चा आ रहा है 5,000 रुपये। इट मीन्स सर एक यूनिट पे 5 रुपये का खर्चा है, तो जब एक यूनिट पे 5 रुपये का खर्चा है तो 5 × में ये तो 25 ही रहेगा, और 5 × में 8 = 40 और ये 50। एडमिन में कहता है 60% वेरिएबल है, ऊपर 50% फिक्स था, 60% वेरिएबल है एडमिन एक्सपेंस, वेरिएबल फिक्स 60% वेरिएबल है, 60,000 का 60% तो 36,000, और बाकी कितना बचा 4, 24,000। तो सर जो 24,000 वाला फिक्स है वो तो ऑल लेवल पे फिक्स रहने वाला है, इसलिए हर जगह लिख देते हैं, है ना, हर जगह लिख दिया। और जो वेरिएबल है उसको काउंट कर लेते हैं, 36,000 डिवाइडेड बाय 5,000, 36,000 डिवाइडेड बाय 5,000 तो 7.2 आ गया। तो 7.2 के हिसाब से ही देख ले 8,000 पे क्या पड़ेगा, तो ये आएगा हमारा, ये तो 36 रहेगा, ये आ जाएगा 57,600, 57,600 और 7.2 इंटू में, सर इंटू में कितने, 10,000, ये 72,000। सर लीजिए सर, आ गया जी सर, डन डन डन। अब टोटल करिए, और तो कुछ बचा नहीं, ए और हेयर टोटल बी, 4 × 2 = 6, 7,25,000, 7,25,000। आंसर चेक करिए कितने बच्चों का सेम आंसर आया था, 11,60,000। चौदह लाख पचास हजार एक लाख 10,000 ये क्या आ गया, 40,000, 25,000, 57,600, 146,600, 50, 25, 72, 24, 171 टोटल, एक इकहत्तर, 145, 316, 146,600, 26, 2600, 8, 35। लीजिए जी डन। बताइए किसी का डाउट, बच्चे कह रहे हैं नो सर ठीक है, बताइए किसी का डाउट है तो बताइए, रुके नहीं तो फिर आगे एक और सवाल पे बढ़े। छोटी सी क्लास है, एकदम छोटी सी, रेगुलर रहेंगे आपकी भी एक आदत बन जाएगी ना। और जो बच्चे नए ज्वाइन हो रहे हैं स्टार्टिंग से देखें वो। यस राज लक्ष्मी बताइए,
हेलो हाँ जी बताइए। हेलो सर, मेरा ये डाउट था ना, जैसे कि फैक्ट्री एक्सपेंस में वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे, एक बार फिर से बता दो आप। फैक्ट्री कॉस्ट देखिए, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या कहता है। ये 50,000 का टोटल खर्चा विजुअल है आपको, तो सर यस 50,000 का जो खर्चा है इसमें से बोल दिया कि 50% फिक्स है, तो 50% डेट इज 25,000, और ये 25,000 फिक्स है, ये तो ऑल लेवल पे फिक्स रहेगा। बाकी 25,000 रुपये खर्चा है वो कितने यूनिट पे है, 5,000 यूनिट पे। तो अगर मैं इसे 5,000 से डिवाइड कर दूं तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, वो आ गया 5 रुपये। अगर 5 रुपये पर यूनिट पता चल गया तो हर किसी को यूनिट से मल्टीप्लाई करते जाओ और हर किसी का निकालते जाओ, और फिक्स वाला पार्ट तो रहेगा। और सर ऐसी के एडमिन ये हाँ भी बिल्कुल एक्सपेंस होता है। एग्जैक्टली ऐसा, एडमिन का ही, एडमिन का भी ऐसे ही। ओके सर, थैंक यू। यस तुषार भाई, मन लगा के पढ़ो क्योंकि सेमेस्टर 6 वाले बच्चे लाइट ले रहे हैं, सोच रहे हैं रिजल्ट आएगा तो पढ़ेंगे, पढ़ना चालू कर दो सारे। तुषार बताइए, आप सभी के लिए मैं जल्दी जल्दी कोर्स करवा रहा हूं मैं, और लाइव क्लास में हर बच्चों को बोलूंगा जिनका पॉसिबिलिटी है वो लें, क्योंकि रिकॉर्डेड तो वैसे भी पड़ा हुआ है, आप देख लो जाके। तुषार की आवाज नहीं आ रही। चलिए सर, ये सवाल कितने बच्चों ने किया, ये सवाल कितने बच्चों ने किया और कितनों का डाउट नहीं रहा, पढ़ दे क्वेश्चन। कितने बच्चों ने ये सवाल ट्राई किया फटाफट बताइए। सर वॉइस नहीं आ रही। हाँ एग्जैक्टली, वॉइस मेरे पास भी नहीं आ रही। तुषार कितने स्टूडेंट ने इस सवाल को किया, फ्लेक्सिबल बजट बनाना था किस पे सर, 50% पे, 60% पे और 70% पे, और ऑलरेडी 60% पे दे रखा है आपको, और आपको इसका मतलब एक 50 पे तैयार करना है, एक 70 पे तैयार करना है, मटेरियल सारी चीजें दी हुई है, और ऐसे ही सेम 80% 20% जो रेशियो रखा रहता था वो दे रखा था। तो पहले आप मुझे जवाब दीजिए, क्या आप इसे करेंगे, हो पाएगा ये क्वेश्चन। राजलक्ष्मी ने कहा डन, क्या आपसे हो पाएगा। दीपांशु ने बोला सर हमने कर लिया ये क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक, वेरी वेरी गुड, आपने अगर ये क्वेश्चन कर लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर, फर्स्ट वाले की तरह है। हाँ एग्जैक्टली वैसे ही है, तो आप ये मान के चलो ना कितने आसान, आपने अगर 10 ईयर लिया है ना तो ले रखा हो तो उठा के देख लो, बजटरी में से ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है, पिछले साल का ही पेपर उठा के देख लेना, सेम आया हुआ है। चलिए सर, ओके ओके डन, फर्स्ट की तरह ही है सर। चलिए सर आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। ये हमारे एडिटर महान है, बेरोजगारी पता है ना क्यों है, ये देखो काम देखो, अगर ऐसा काम होगा तो बेरोजगारी होगा भाई साहब। अब मेरे को भी कुछ दिन ऐसा काम समझ में नहीं आएगा, बोलूंगा भाई साहब आप कहीं पहले ट्रेनिंग लो तो मेरे पास आना आप, इसलिए बेरोजगारी है, प्रोफेशनल नहीं है लोग, काम के पीछे ना लगन नहीं है इनका। चलिए एक्सपेंस बजट आपका कितना है, 10,000, प्रोडक्शन करना है, एक्सपेंस बजट बनाना है 10,000 का, और सारी चीजें आपको दे दिया। प्रिपेयर बजट प्रोडक्शन 8,000 यूनिट पे बना के दिखाइए, 6,000 यूनिट पे बनाइए, अज्यूम द एडमिशन एक्सपेंस और लेवल प्रोडक्शन, कहता है कि अज्यूम द एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस आर रिजिड फॉर ऑल लेवल, रिजिड का मतलब फिक्स है ऑल लेवल पे, यानी सर ये है ना फिक्स एक्सपेंस है, ये क्या है हमारा सर फिक्स एक्सपेंस है, ये हमारे फिक्स एक्सपेंस है, ठीक है, ये है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, वेरिएबल कॉस्ट, पर यूनिट दे रखा है मल्टीप्लाई करोगे, फिक्स दे रखा है आपको, ये वेरिएबल डायरेक्ट है तो वेरिएबल में ही चला जाएगा, सेलिंग एक्सपेंस 10% फिक्स, सेमी वेरिएबल, डिस्ट्रीब्यूशन सेमी, तो ये भी हो जाएगा आई थिंक से। अब देखो सीए एंटर में भी आया हुआ है क्वेश्चन, और बेंगलोर के यूनिवर्सिटी में भी आया हुआ है, तो ये सीए एंटर में आ रहा है क्वेश्चन, तो अब हल्का क्वेश्चन तो नहीं है ये, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट पूरा समझाया तो लगेगा अरे बच्चों वाला सवाल है ये, हो जाएगा ये सवाल। मैंने कितने होमवर्क दिए थे, हाँ ये इस पे काम अच्छा किया है हमारे एडिटर ने, ये दिख रहा है ना, ये क्लियर दिख रहा है, फिर भी कमी तो लग रही है मेरे को,
टाइम क्या हो गया, 32। चलो मैं ना आपको एक टारगेट देता हूँ, जितने बच्चे हैं ना 13 के 13 बच्चों को टारगेट दे रहा हूँ क्वेश्चन करने के लिए, और ये मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे आप। आठ क्वेश्चन होमवर्क, आठ क्वेश्चन होमवर्क। आज एक ही कराया, एक और क्लास है मेरी, मैं खुद 15 मिनट लेट हो गया। तो आठ क्वेश्चन होमवर्क में है और सभी व्हाट्सएप पे भेजेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, जिसका जो डाउट हुआ प्लीज प्लीज भेज दें, ताकि मैं उसको उसी प्लानिंग के हिसाब से कराऊं। और पता चलता है कि जब अभी डाउट नहीं पूछोगे, आप पूछोगे 1 महीने बाद सर वो छठा क्वेश्चन नहीं आ रहा साथ में, तो फिर मजा नहीं आता। नंबर बता दो सर, एक बार नंबर बता दें। नंबर आपको हाउ टू टेक डाउट क्लास में भी गिवन है, 9136364104। ये रहा। ठीक है, चलिए सर, आज तो आपको होमवर्क दिया है, कल है संडे, और संडे वाले दिन अगर आप मुझे भेज देते हैं आज सारा का सारा, तो संडे वाले दिन आपका डाउट सेशन सॉल्व कर लिया जाएगा इसको, और वीडियो में अरेंज करके लगा दूंगा रिकॉर्ड करके, ठीक है ना। इसके बाद कितने सवाल है, यानी मेरा टारगेट है कि मंडे 9 10, ये भी बड़ा आसान, 11, ये मैं करा दूंगा, ये मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा। 11 सवाल के बाद हमारा अगला टॉपिक, यानी होपफुली हम मंडे वाले दिन पूरे ये डाउट और इंक्लूडिंग 11 क्वेश्चन तक कर लें। और जो ट्यूसडे क्लास लूंगा, क्योंकि अब तो मैं रेगुलर कह रहा हूँ, अगर मैं ट्यूसडे जो क्लास लूंगा उसमें नया कैश बजट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है चैप्टर, आप भी फटाफट से मेहनत करिए, और ध्यान से करना है आपने, लिख के करना है, नहीं तो फायदा नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। चलिए सर, सर पीडीएफ, बिल्कुल डेफिनेटली पीडीएफ आ गया होगा, और अभी का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बिल्कुल मिल चुका होगा इनफैक्ट पीडीएफ, नहीं तो मैं अभी भिजवाता हूँ पीडीएफ, अभी रिसेंट भिजवाता हूँ। चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, अभी भिजवाता हूँ मैं आप सभी को पीडीएफ।